सचिन जी के घर का दृश्य है, ऊपर से हम आपको दिखा रहे नज़ारा। अभी हमारी बारी आने वाली है, अभी हम जाएंगे इनसे बातचीत करेंगे, प्रेमी जोड़े से और बहू से, अब जो भारत की बहू बन चुकी हैं, पाकिस्तान से आई हैं। और ये देखिए तमाम उनके जो घर के ऊपर लोग हैं, छत पर डेरा डालकर बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी भगदड़ मची हुई है बातचीत करने के लिए, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। गांव वालों का क्या रुख है, गांव वाले क्या बातचीत कर रहे हैं आपस की? बातचीतों से तो ये लग रहा है कि ये फ्रॉड है। जैसे क्या, आप कौन सी बातचीत से लगा भाई? ये इसके आधार कार्ड वगैरह जो भी हैं, मतलब, और जैसे बिना वीजा के यहाँ आई है, फर्जी तरीका से आई है, मतलब फर्जी तरीका से, मतलब ये है कि भाई इसका गलत है आना। बहु पसंद है, बढ़िया एकदम, नंबर वन। जो जासूस वाली बात वो दिमाग में फिसूल है, पब्लिक के में दिमाग में फिसूल है, चोरे का नागरिकता मिल जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सचिन जी के घर का दृश्य है, ऊपर से हम आपको दिखा रहे नज़ारा। अभी हमारी बारी आने वाली है, अभी हम जाएंगे इनसे बातचीत करेंगे, प्रेमी जोड़े से और बहू से, अब जो भारत की बहू बन चुकी हैं, पाकिस्तान से आई हैं। और ये देखिए तमाम उनके जो घर के ऊपर लोग हैं, छत पर डेरा डालकर बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी भगदड़ मची हुई है बातचीत करने के लिए, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर केवल एक झलक पाने के लिए छतों से कूद रहे हैं। और देखिए इस, ये छत है, ये सीमा जी और सचिन जी, ये देखिए ये छत है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये पूरा छत है इनका। और इस छत से, मतलब सामने जो दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है, तो छत से लोग कूद के, और केवल मीडिया ही नहीं, तमाम आम जनता, गांव के लोग आए हुए हैं केवल एक बार देखने के लिए पाकिस्तान की जो महिला है वो दिखती कैसी हैं और आखिर क्या कारण है कि वो सचिन जी के प्यार में गिरफ्तार हो गई और यहाँ पर रह रही हैं। एक झलक देखिए ऊपर से, और ये तमाम लोग ऊपर आ रहे हैं। अब देखते हैं इनसे बातचीत करके कि क्या होता है, देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। जो सचिन जी के पिताजी हैं, अभी हमने देखा कि वो तमाम लोगों को डांट के भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना प्रेशर ना बनाएं। और देखिए ये तमाम सचिन जी के पिताजी हैं। अंकल जी सुनो, अंकल जी सुनो, सुनो सुनो अंकल जी, सुनो सुनो अंकल जी, इधर इधर ठीक है, ठीक है। ये देखिए इनके पिताजी काफी परेशान हैं और देखिए यहाँ पर भीड़ को भगाते हुए, सुनिए सर, सर सर क्या परेशानी, क्या है हमको बताइए, क्या परेशानी है? ये देखिए कह रहे कि छत जो है वो कमजोर है, कच्ची है, और तमाम लोग आ चुके हैं हजारों की संख्या में। देखिए उधर भी दिखाइए, सर सुनिए आपका सबसे पहले नाम बताइए सर, हम आए हैं आपसे ना पूछे तो अच्छा है। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं? मुंह पे बोला ही ना ज्यादा। अरे सर बताइए। ये देखिए तमाम लोग, इनके जो पिता हैं सचिन जी के, वो काफी परेशान हैं और कह रहे हैं कि इन्हें समय ही नहीं दिया जा रहा है कुछ भी करने के लिए। तमाम लोग घर के आसपास इनके घरों को घेर कर खड़े हैं, मीडिया लगातार आ रही है और इसी वजह से। सर क्या आप, सर यूपी में योगी बाबा से क्या गुहार है? योगी जी से क्या? योगी बाबा से प्रार्थना चाहूंगा इसको वो मिल जाए, नागरिकता मिल जाए और हमारी मदद करें। आप एक पिता हैं, मुझे ये बताइए बेटे के लिए सब कुछ मंजूर है? मुझे सब कुछ मंजूर है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, इसे अच्छी तरीके से रखेंगे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो जासूस वाली बात हो रही है, वो दिमाग में फिसूल है, पब्लिक के में दिमाग में फिसूल है, चोरे का नागरिकता मिल जानी। हाँ जी, हाँ जी। तो सुनिए सर ये बताइए, आपको सचिन जी ने लॉकडाउन में बताया था कि मेरा ऐसा कोई प्रेम का नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हमें अब पीछे पता चला है, जब हो ही गया तो, जब ले ही आया तो, अब तो हम क्या करें फिर। हो गई नेपाल में एक बार और? हाँ, नेपाल में होगी, तो अब धूमधाम से कराएंगे दोबारा। अच्छा, अभी दोबारा कराएंगे? देखिए गाँव वाले तो आपके घर के ऊपर बिल्कुल डेरा डाल के बैठे हुए हैं, बस तो सबको प्रेम है। देखिए बहू के मुंह दिखाई करा दीजिए, सब गांव वालों को तमाम करा देंगे, बस यही रहने दोबारा। योगी जी से क्या चाह रहे हैं बताइए हमारे? मैं योगी जी से, मैंने आपको बता दिया, हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमारे जो सरकार है वो, मैं इतना ही चाहूँगा कि ये हम गरीब आदमी हैं और ये जो सीमा जो आई है हमारी बहू है, हम बहुत सारा प्यार देते हैं उसको, और हमारी तरफ सोचा जाए और इनको नागरिकता मिल जाए और मतलब हमारी तरफ कुछ हमें मदद भी दें। राजेश जी सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान की महिला, पबजी गेम से प्यार हुआ सचिन जी से, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर रबुपुरा गांव के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं और पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया,
सीमा जी सभी परीक्षाओं को देते हुए अपने पति को छोड़कर आ गई। चार बच्चे हैं उनके, 30 साल की हैं वो बताया जा रहा है, और यहाँ पर उन्हें अब भारत में रहना है। हिंदू धर्म भी उन्हें पसंद है, हिंदू भी बनने के लिए तैयार हैं, गंगा नहाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में पहन रहे जय श्री राम का, तमाम तस्वीरों को देखकर क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो बताइए सीमा जी के बारे में। देखो पता देखने से तो ये है कि भाई अब तो ये हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी है कहलाएगी, लेकिन देखिए हिंदुस्तानी तो तब कहलाएंगी ना जब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। सरकार नागरिकता मिल जाएगी और फिर ये है कि छानबीन के अलावा इनमें मतलब कोई दोष ना निकले। तो क्या लगता है अभी देखिए गाँव वालों का क्या रुख है, गाँव वाले क्या बातचीत कर रहे हैं आपस की? बातचीतों से तो ये लग रहा है कि ये फ्रॉड है। क्या आप कौन सी बातचीत भाई? ये इसके आधार कार्ड वगैरह जो भी हैं मतलब, और जैसे बिना वीजा के यहाँ आई है फर्जी तरीका से आई है, मतलब फर्जी तरीका से मतलब ये है कि भाई इसका गलत है आना। अच्छा तो देखिए यहाँ पर वो कह रही हैं कि अगर मैं जासूस होती तो मैं इतने इम्तिहान देकर नहीं आती, और मैं मेरा काम कुछ और होता, लेकिन मुझे आप दिन भर निगरानी कर सकते हैं कि मैं क्या करती हूँ। सचिन जी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ ही रहूँगी, मुझे गुलाम हैदर के साथ रहना पसंद नहीं है। और देखिए सर ये भी आप भी जान रहे होंगे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं महिलाओं की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी हिंदुस्तान की महिलाओं की हालत ठीक है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान से अट्रैक्ट होकर आकर्षित होकर वो आ गई और हिंदुस्तान वाले उन्हें शांति से कहीं ना कहीं रहने भी दे रहे हैं? यहाँ पर हंगामा भी उतना नहीं हो रहा है, बस मुँह दिखाई के लिए कि मुँह देख लें लोग बहू की, है ना? तो क्या कहेंगे इसमें? देखो हिंदुस्तान है ही इतना प्यारा कि जो मतलब हर आदमी मतलब इनको प्यार करता है। अब ये है कि अब ये हिंदुस्तान में आई है तो इसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, हिंदुस्तान में जब इतना इनको प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उनके पति तो वहाँ बुला रहे, पति तो गुलाम हैदर जी बुला रहे, बोल रहे हैं कि आ जाइए मुझसे जो गलती हुई मैं तैयार। भाई ये तो घरेलू मामला है, ये तो आपस में ये जानेंगे। तो आप सर आप क्या, आपको क्या लगता है उनको जाना चाहिए इनको या नहीं जाना चाहिए? सचिन जी उनको अपना लेंगे? सचिन जी करते क्या हैं? देखो ये तो जानते नहीं है कि भाई सचिन जी क्या करती हैं, पर ये तो इनका हेडक है कि भाई ये सचिन जी अपनाएंगे, इनको ठीक से रख लेंगे, मेरा सवाल वो था भाई। कह नहीं सकते हम, देखो हम भी बाहर के हैं। अच्छा इनके बच्चे भी इनके साथ ही रहते चारों? हाँ चारों बच्चे इनके साथ में हैं। और सचिन जी की पहले, सचिन जी तो युवा हैं, काफ़ी कम उम्र की हैं उनकी, शादीशुदा नहीं है। मतलब इसी वजह से सचिन जी जो है वो अविवाहित हैं, सीमा जी विवाहित हैं, 30 साल की हैं, चार बच्चे हैं, और अब नेपाल में इन्होंने शादी रचा ही ली है, नेपाल के थ्रू ही भारत आई हैं। वीज़ा नहीं था, अधिकारियों के सिग्नेचर नहीं थे, भारत सरकार की अनुमति नहीं होगी, और तमाम बातों के बाद अब इन्हें नागरिकता चाहिए। और देखिए इतनी गर्मी में काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं, एक बार मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन सर्वेश्वर रावत जी एक बार सबको दिखाएँ कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए बहू पसंद है? बढ़िया एकदम। अच्छा नंबर वन? नंबर वन। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है? पाकिस्तान के बारे में आप जानती हैं, पाकिस्तान हमले करते रहता है भारत पे, और तमाम जिस तरीके से लगातार हमला करता है, रचता है, साजिश रचता है, तो पाकिस्तान की महिला है तो इसलिए डाउट हो रहा है क्या कहेंगे? ना डाउट तो है, जांच तो होनी चाहिए इसकी, जांच होनी चाहिए। तो कह रही है सीमा जी मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ, तमाम कुछ मुझे दिक्कत नहीं होती। जाँच करने के बाद में हिंदू धर्म अपना है, पहले जाँच हो उसके बाद में। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, गांव वालों को यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है, और थोड़ा और इंतजार करेंगे। हाँ अभी फिलहाल।